तो मैं वेलकम करती हूँ, प्लीज निदा आ जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, रमजान बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक। और थैंक यू सो मच। मुझे पता है रमजान में हमारे फूडपैंडा होम शेफ्स बहुत मसरूफ होते हैं, लेकिन ये फिर भी आई, इन्होंने अपना टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, माय प्लेजर, माय प्लेजर। और बताएं कि माशाल्लाह आप आई थिंक काफी टाइम से फूडपैंडा के होम शेफ्स पेज पे हैं और आप अपना एक बिजनेस रन कर रही हैं, तो किसने आपको बताया इस प्रोग्राम के बारे में? मुझे मैं खुद बहुत फूडी हूँ एक्चुअली। अच्छा। और मैं एक ऐसी शाम में रात में बैठी हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं हम कुछ मंगा रहे थे, बेसिकली फूड पैंडा से ही कुछ ऑर्डर कर रहे थे। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो मुझे एकदम से एक ऑप्शन नजर आया होम शेफ का। अच्छा। तो फिर मैंने उसको जाके देखा कि हाँ इस पे होम शेफ्स हैं, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं कर सकती। अच्छा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि चलो तुम करना चाहती हो तो डू इट। फिर हम लोगों ने मैंने फॉर्म फिल किया और फिर फूड पैंडा ने अप्रोच किया मुझे। अच्छा। और इस तरह से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। अच्छा, आप ये भी बताएं कि आप जो कह रही हैं आपने फॉर्म फिल किया और जो भी आपका जर्नी स्टार्ट हुआ, ये इजी है फूड पांडा के होम शेफ से खुद को रजिस्टर करना? रजिस्टर करना इट्स वेरी इजी। वो फॉरन आपको थोड़े दिन में ही आपको आपके आपको खुद अप्रोच करते हैं, आप फॉर्म उनका रिक्वायरमेंट। अच्छा। के लिहाज से फिल कर दें जो भी फॉर्म में दे आस्क, और वो फिल करके फिर आप उनको सेंड कर दें, फिर वो आपको अप्रोच करते हैं, फिर वो आप उनके सारे मेरे लाइक हर अकाउंट के मैनेजर हैं, तो अकाउंट का मैनेजर सारा कुछ आपका मैनेज करता है। आप उनको अपना मेन्यू सेट किया मैंने, वो भी मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट थी कि मुझे क्या मेन्यू रखना है, बिकॉज मुझे माई सेल्फ मुझे इतना खाना पकाने का शौक नहीं था कभी भी। अच्छा, ठीक है, शौक नहीं था नेवर, तो फिर कैसे आप इस जगह पर आ गई? तो कभी नहीं था, बल्कि मैं जब घर में कुछ करती थी तो अम्मी मेरी कहती थी कि तुम हमारे इंग्रेडिएंट्स वेस्ट कर दोगी, हमारा किचन खराब हो जाएगा, खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन खैर वो बहरहाल, फिर मैं बैक टू द पॉइंट कि मैं फूड पैंडा पे मैंने बहुत बेसिक खाने से स्टार्ट किया, व्हिच वाज दाल चावल। दाल चावल जी, और दाल चावल किसी और होम शेफ के पास उस वक्त थे नहीं। अच्छा। तो मूंग मसूर की जो दाल होती है मैंने वो स्टार्ट किया और इट वाज अ बिग हिट। तो काफी उससे मेरे बहुत ऑर्डर्स आए, बहुत ऑर्डर्स आए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मैं अपना मेन्यू जो है वो एक्सटेंड करती और एक्सटेंड करती गई। हाँ। अच्छा, जब आप मेन्यू बना रही थी तो क्या इसमें भी फूड पैंडा कोई आपकी हेल्प करता है, कोई अपने सजेशंस वगैरह देता है किस तरीके से बनाएं, क्या करें? हाँ, बिल्कुल देता है। मैं जो हम जो रखना चाहते हैं वो तो वो बिल्कुल आपके लिए खुला प्लेटफॉर्म है, आप रख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। मगर हाँ, जो वो लोग डील्स बनाते हैं, वो लोग कॉम्बोज बनाते हैं, उसमें वो जो आपके मैनेजर्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं कि जी आप ये इतनी रेंज में रख लीजिए तो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, अगर आप इससे ज़्यादा की रेंज में रखेंगे तो वो आपके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो वो कोऑर्डिनेशन विद द मैनेजर्स एंड विद द कंपनी, इट्स वेरी सेटिस्फैक्ट्री। ये तो बहुत अच्छा है, आप लोग देख रहे हैं कि कितना इजी है अपना बिजनेस स्टार्ट करना, वो भी घर बैठे बिठाए, क्योंकि यूजली होता है ना कि एक परेशानी भी होती है कि कैसे होगा, नहीं मैं किस तरह स्टार्टअप लूंगा, कैसे लेके चलूंगा। अच्छा, जब आपने शुरू कर लिया जी, तो अब कहना तो आसान है ना कि भाई मैंने शुरू कर लिया। हाँ। लेकिन वो फिर शुरू कर लिया तो क्या हुआ? फिर हर्डल्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं कि हमें टाइम बहुत कम मिलता था व्हेन आई स्टार्टेड, तो टाइम बहुत कम होता था मेरे पास, और मुझे 10 मिनट मिलते थे कि जी आप 10 मिनट में खाना पैकअप करें। अच्छा। गरम करें, पैकअप करें, तैयार करें एंड हैंड इट ओवर टू द राइडर। अच्छा, उसमें ये क्या आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते, अगर आपने गड़बड़ कर दी तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर आपको दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। ठीक है। तो वो फिर होते होते आहिस्ता आहिस्ता कभी मैं लेट भी हो जाती थी, हो जाती थी तो मैं कहती अच्छा हो गई लेट, मैं क्या करूं। अच्छा। तो मतलब शुरू में प्रैक्टिस तो थी नहीं, जाहिर है ना, मतलब यूज्ड टू हो गई होंगी पूरा टाइम मैनेजमेंट। अब तो माशाल्लाह काफी बहुत ज्यादा समझ आ रही है, 3 साल में मैंने काफी अच्छा हो गया, मेरी मेरी डिशेज भी काफी ओवर 100 मेरी डिशेज एंड बेवरेजेस और सब कुछ मिला के माशाल्लाह ओवर 100 जी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटेंड करती गई मैं, और बस फिर वो यही हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी मेरा टाइम भी एक्सटेंड किया। अच्छा। मेरा एरिया भी एक्सटेंड किया। तो
इस तरह बरसात एरिया से क्या मतलब शुरू में क्या कोई इतना एरिया आपके कुछ लिमिटेड एरिया होता है आपको लिमिटेड एरिया देते हैं वो लाइक 20 मिनट्स ड्राइव फर्स्ट करें 20 मिनट्स ड्राइव पे जितने भी सराउंडिंग होगी उधर पे आप उधर मैं उनके स्क्रीन पे शो हो रही होंगी ठीक है लाइक अगर बहुत दूर से ऑर्डर हमें नहीं आ सकता बिकॉज कि वो राइडर इतनी देर में जब तक खाना लेके पहुंचेगा खाना ठंडा ठंडा तो फिर हम जाहिर है हम नहीं दे सकते तो उतने लिमिटेड एरिया होता है हर वेंडर के पास उस लिमिटेड एरिया में वो केटर करते हैं जी बिल्कुल अच्छा तो ये बताएं आज आप क्या बना रही हैं चीजें तो मुझे बहुत मजे की इंटरेस्टिंग नजर आ रही हैं जो इंग्रेडिएंट्स मैं देख रही हूँ जी मेरी डिश है उमाली उम्मे अली भी कहते हैं इसको इसका लिटरल मीनिंग है उम्मे अली अली की मदर ऑफ अली ठीक है एंड इट्स एन अरेबिक हाँ इट्स एन इजिप्शियन डिश एंड इट्स वेरी इजी बहुत आसान है और रमजान के लिए बहुत अच्छी डिश है 15-20 मिनट में ये ले हो जाती है तैयार हो जाती है और फिर बस आप इसको गरम गरम अच्छा इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये वार्म डिश है इट्स नॉट अ कोल्ड डिजर्ट ठीक है यूजुअली हम एक रात पहले बना कर रख लेते हैं दावतों में के लिए अच्छा। और अगले दिन यू नो सर्व करते हैं ठंडा ठंडा डिजर्ट वो तो फिर नहीं हाँ, अच्छा लगेगा तो रमजान के लिए बहुत अच्छा है कि यू नो ओवन हॉट निकला और टेबल पे आप गरम गरम तो वो बहुत मजेदार इसको ईद पे भी बना सकते हैं ईद पे भी बना सकते हैं किसी सेलिब्रेशन पे भी बना सकते बल्कि ये जब ये वाली जो डिश है ये जब जो इन्वेंट हुई थी वो ऐसे ही हुई थी कि किसी ने अपने बैक इन द 12th सेंचुरी उन्होंने इन्वेंट किया था उन्होंने अपने मेड्स को कहा था सुल्तान की वाइफ थी अच्छा। उसने कहा था कि ये तुम लोग पुडिंग बनाओ मैं ये रेसिपी है और मैं पूरे जितने भी कॉमन पीपल हैं उन्होंने उन कॉमन पीपल में डिस्ट्रीब्यूट की विद अ गोल्ड ऑफ कॉइन उसका सेलिब्रेशन था तो फिर उसके बाद इजिप्ट में ये हुआ कि ये सेलिब्रेटरी डिजर्ट बन गया कि ये न्यू बॉर्न्स में न्यूली वेड्स पे बड़े बड़े सेलिब्रेशंस पे ये डिश बनने लगी एंड इट्स फेमस इन यूएई एज वेल चलें तो जबरदस्त देखें हमें एक हिस्ट्री भी पता चल गई उस मीठे के पीछे हमारे व्यूअर्स को कि असल में क्या कहानी है और आज ये बना रही हैं निदा जी तो देखते हैं इनके हाथों का क्या जायका आएगा इसमें आप शुरू करें और बताएंगे क्या इसका फर्स्ट स्टेप क्या है किस तरह आप करेंगे अच्छा आपको एक कैजरोल लेना है ठीक है उसको ग्रीस कर लेना है मैंने इसको ऑलरेडी ग्रीस किया हुआ है डालडा अच्छा, से ठीक है डालडा ऑयल से मैंने ग्रीस कर लिया है उसके बाद हमारे पास पफ्स हैं पफ्स आप उतने ले लें जितने आपकी डिश है मैंने आधा किलो लिए थे ठीक है और हमारे पास मिल्क है 1 लीटर मिल्क हमारे पास क्रीम है एक क्रीम का जो डब्बा होता है एनी क्रीम कोई भी आप ले लीजिए कंडेंस मिल्क है लाइक 8-9 टेबल स्पूंस खोपरा है शुगर है शुगर थोड़ी सी मैंने ली है बिकॉज मैं कंडेंस मिल्क ज़्यादा डाल रही हूँ जी तो शुगर थोड़ी सी ली है आमंड्स हैं हमारे पास थोड़े से फॉर डेकोरेशन और ये मिक्स नट्स मिलते हैं पूरे एक पैकेट में मिक्स नट्स होते हैं तो इट्स बेटर कि आप मिक्स नट्स ले लें राधा देन आप अलग 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 लें वो मिक्स नट्स ऑलरेडी मिक्सड होते हैं तो वो अपने अपने डिजर्ट में इस तरह वो डाल सकते हैं ठीक है जी ठीक है चले आप शुरू भी करें मैं शुरू करती हूँ क्योंकि आई थिंक आप वही आपने कहा कि बेक होगा फिर आपने इसको ओवन में रखना होगा बेक करना होगा मुझे जी तो बस आप इस तरह किसी भी तरह कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसको किस तरह ले करें एज आई टोल्ड यू इट्स वेरी वेरी इजी डिश तो आप बस इसमें हैसल है ही नहीं ना जब कोई आपको कभी हैसल फ्री मीठा बनाना हो फिर तो सबसे आसान सबसे है अच्छा यही है और टेस्टी अलग है और सबसे मजे की बात यह है कि अब तक जितने भी हमारे यहाँ पे होम शेफ्स आ चुके हैं जी माशाल्लाह उन्होंने इतनी एक यूनिक और इजी रेसिपीज शेयर की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है अच्छा और आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है और मीठा तो खैर मैं वैसे ही दीवानी हूँ बहुत पसंद है अच्छा जो कुछ इसका क्रश्ड होगा उसको भी आपको फेंकने की जरूरत नहीं है आप इसी में ही डाल दें पफ्स का कोई मसला नहीं है इसमें ठीक है अच्छा पफ्स ये ऐसा भी हो सकता है कि बाज लेडीज को पफ्स खरीदने नहीं अगर तो वो पफ बेक करके पफ पेस्ट्री बेक करके और इस तरह ले करके और फिर उसके बाद ये सारा कुछ कर लें जी सही ठीक है बस ये इस तरह ले कर दिया है अब हम इसका थोड़ा सा सिरप बनाएंगे ठीक है इसमें हम डालेंगे पहले मिल्क डालेंगे अच्छा अभी आप इसका सिरप तैयार कर रही हैं सिरप रेडी होगा
और सिर्फ हम इसके ऊपर पोर कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये तो बताएं कि आप अपने हस्बैंड के लिए क्या बनाती हैं, उनको क्या पसंद है आपके हाथों का? मेरे हस्बैंड को काफ़ी कुछ पसंद है, वो भी बहुत फूडी है माशाल्लाह से। अच्छा कढ़ाई पसंद है उनको बहुत, मटन कढ़ाई ज़्यादा पसंद है। फिर अच्छा। मेरे घर में धुआं गोश्त बनता है, उनको धुआं गोश्त बहुत पसंद है। अच्छा। और बाकी मैं जो फूड पैंडा के खाने बनाती हूँ वो बहुत पसंद है। वेल मेरा फूड पैंडा से मेरी एक मुश्किल छोटी सी हो गई है कि मेरी बेटी मुझे घर में हर वक्त ऑर्डर करती रहती है। अम्मा मुझे घर में ऑर्डर करती है, और मेरे बच्चे भी मेरे इस यू नो इस काम में मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा इन रहते हैं। क्या अच्छा, हेल्प करते हैं बच्चे? हेल्प करते हैं, बिल्कुल करते हैं कि वो ऑर्डर पैक हो रहा है और पैकिंग के बाद यू नो ऑर्डर आ रहा है तो उसको ओके करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मेरे दो ट्विन मतलब ट्विन्स बच्चे हैं मेरे, अ बॉय एंड अ गर्ल, माशाल्लाह तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। और फिर वो जब खेलते हैं अपनी कोई गेम वगैरह घर का कुछ खेलते हैं तो वो पैंडा की जो रिंग टोन है ना वही अपने खेल में बजाते हैं, टोनों याद हो गई है जी, तो उनको याद बज बज के ना। और अब हमें भी होता है हम किसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ रखा होता है डिवाइस और बजता है तो मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में बज रहा है, हम सब चौंकने लगते हैं उसे। हाँ तो काफ़ी हम यूज टू हो गए। अच्छा कमिंग बैक टू द रेसिपी, ठीक है आप मिल्क डालेंगे और आप कोई 6 to 7 टेबल स्पून आप कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, ये मैं पूरा ही डाल रही हूँ ऐसे, ठीक है जी। हाँ तो वो मेरा ख्याल में मैं उनकी ही जुबानी सुनती हूँ कि वो चाय की स्टोरी है क्या, क्योंकि आज चाय का ही टॉपिक छिड़ा है। तो जरा आप बताएं नंदिता जी कि आपने मेरे साथ शेयर किया था कि चाय की बड़ी अच्छी कहानी है आपकी फूड पैंडा के राइडर्स के साथ ना। बिल्कुल मुझे किसी ने पूछा कि आपको फूड पैंडा ने कोई अवार्ड दिया, मिलते हैं अवार्ड, तो मैंने कहा मेरे लिए सबसे बड़ा एक अवार्ड ये था कि फूड पैंडा ने एक कैंपेन स्टार्ट की थी राइडर्स के लिए। अच्छा विंटर्स में, ठीक है विंटर्स में वो ये कर रहे थे कि जो इनके मार्च के राइडर्स हैं, मार्च के राइडर्स को उन्होंने फैसिलिटी दी थी कि टी प्रोवाइड कर रहे थे वो सब राइडर्स को जो राइडर वहां आ रहा था। तो सर्दी थी तो राइडर्स को बहुत बहुत ज्यादा राइडर ने उसको एंजॉय किया और खुशी से सबने पिया ना वहाँ, और सर्दियों में वो भी फिर रात को जब बाइक चलानी हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो टी मुझसे बनवाई, फूड पैंडा ने मुझसे मुझे सेलेक्ट किया कि आप टी बनाइए, तो मेरे पास ये टी बन के जाती थी और मेरा एक पर्सन था जो फूड पैंडा ने केओस सारा अरेंज किया था मेरे लिए, वहाँ पे खड़े होके वो जितने राइडर्स आते थे सबको वो पिलाता था। हाँ बिल्कुल सबको पिलाता। तो मुझे लगा मेरे लिए ये बहुत बड़ा अवार्ड है फ्रॉम फूड पैंडा और राइडर्स की दुआ मुझे अलग लगी और राइडर्स ने जो है वो एंजॉय किया फूड पैंडा को दुआ दी। राइडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे राइडर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही डिलीवर कर रहे हैं ना, एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाना। तो देखो ना हमारा सर्दियों में बाइक पे घूम रहे होते हैं और अगर आप सर्दियों में बाइक पे घूमते हुए आते हो तो एक कप चाय की उससे बढ़ के दौलत कोई नहीं। तो बस यही था जो मेरी कंपनी ने और मैंने मर्ज करके हमने राइडर को फायदा दिया और राइडर ने को एंजॉय किया और मुझे भी बहुत मजा आया कि मैं एक नोबल कॉज का पार्ट थी। चलें तो बहुत अच्छी बात है और बल्कि अच्छा है कि हर सर्दियों में करते हैं कुछ ना कुछ राइडर्स के लिए, कोई राइडर्स की कहानी ना हो ये। अच्छा थोड़ा सा आप ये बता दें जब आप सॉस बना रही थी आपने क्या क्या किया? अच्छा सॉस मैंने मिल्क डाला, फिर मैंने कंडेंस मिल्क डाला, मैंने नट्स थोड़े से डाले उसमें और मैंने यहाँ पे डिश में पफ्स ले करके उसके ऊपर कोकोनट स्प्रिंकल किया मैंने, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए स्टोव पे मैंने उसको स्टर किया कि थोड़ा सा थिकनेस आ जाए, ठीक है, और वो पूरा फिर मैंने इस पे पोर कर दिया। बहुत इजी है, रियली इजी डिश है, इसमें कुछ करना ही नहीं। फिर पोर करके फिर मैंने मुझे इसको बेकिंग के लिए रखना है, इसको 180 डिग्रीज पे आप बेक करेंगे और 20 मिनट्स के विद इन 20 मिनट्स ये बेक हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको बेकिंग के लिए रख देती हूँ और मैंने ऊपर थोड़ी सी क्रीम डेकोरेट की है और क्रीम के ऊपर थोड़े आलमंड्स डाल दिए, ठीक है। पूरे डिश में मैंने मिक्स नट्स डाले, वो मिक्स नट्स का पैकेट होता है आप वही ले लें बजाय कि आप अलग अलग लें। हाँ ये अच्छा है, मिक्स नट्स ले लें उसी में ओरिजिनल भी पड़ेगा बजाय
के अलग अलग कॉस्टली पड़ जाएगा। तो मिक्स नट्स आ गए, आमंड्स आपने उसी से ले लिए, आपके पास अलग है तो वो ऊपर डेकोरेट कर दिए मैंने। अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ फॉर 20 मिनट्स एंड देन योर डिश विल बी रेडी। लेकिन आप इसको जब ही बनाइएगा जब आपको सर्व करना, सुबह से बना के रख देंगे तो थोड़ी सॉगी हो जाएगी। तो सर्व करने से बस आधा घंटा पहले आप ओवन में रख दें और बस 20-25 मिनट बाद आप निकाल के स्ट्रेट टू द रमजान टेबल और वो रोजेदारों की दुआ लें। रोजेदारों की दुआ लें और यही मौका है रमजान में रोजेदारों की दुआ लेने का, बल्कि अपने पड़ोस में भेजें, दोस्त अहबाब को भेजें और उनसे भी दुआएं लें, बल्कि औरों को भी देखें आसपास जो हैं तो उनको भी मीठे बना के भेजें, अच्छे अच्छे खाने बना के भेजें आप। क्योंकि और ये नहीं कि सिर्फ रमजान में, हम रमजान में ज्यादा जोर दे रहे होते हैं ना कि रमजान में करें, रमजान में करें, बाकी भी महीनों में करें, हर महीना मुबारक है अगर देखें तो। खुशी के मौके पर ये बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतरीन बेहतरीन व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत, क्या एक रॉयल डिश लग रही है, एक रॉयल डिनर लग रहा है और प्रेजेंटेशन कितनी बेहतरीन है और जो आपने एक डिश की जो सिलेक्शन की है आपने, ये सब चीजें मिलके ना, हाँ बिल्कुल, क्या मैं बोलूं, बेहतरीन बेहतरीन। और इसका टेस्ट भी इतना ही बेहतरीन है जितनी ये तो लग रहा है, ये इजी है उतना ही खाने में बहुत मजेदार है, वेरी स्कम्पशियस और आप लोग इंजॉय करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से सबसे ये कहती हूँ कि अपनी चीजों को डिश आउट बहुत अच्छे खूबसूरत बर्तन में करें ताकि जो खाने वाला है उसे भी मजा आए और आपको किचन में ऑटोमेटिकली मजा आएगा जब आपके पास अच्छे बर्तन होंगे, अच्छे यूनिक बर्तन होंगे। हाँ मतलब प्रेजेंटेशन पे आप ध्यान दें, क्योंकि जब चीज दिखने में अच्छी लगती है तो फिर खुद ही दिल करता है उसको खाने का, लेकिन टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ये दिखने में अच्छी हो और जब मुंह में डाले तो दिल ही ना करे खाने का, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए, आपने बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर बातें करके। और अच्छा आप ये तो बताएं, एक चीज ही भूल गया, फूड फाइंडर पे आप अपना इतना अच्छा काम करती हैं, आपको ऑर्डर देना हो तो नाम क्या है आपके मेरा, पेज का? मेरा है बजट बाइट्स के नाम से, बजट बाइट्स के नाम से, बजट बाइट्स। ओ अच्छा, ठीक है, बजट बाइट्स है और मैं बल्क में भी ऑर्डरिंग करती हूँ, ठीक है, तो वो मुझे 2 दिन पहले लोगों को ऑर्डर देना होता है, ठीक है, हाँ। क्योंकि बल्क में काम होते हैं ना तो 2 दिन पहले आपको देंगे, बिल्कुल बल्क में अगर आपको चाहिए तो 2 दिन पहले, नहीं तो फूड फाइंडर पे तो जो मेरे प्रीमिसेस में है उनको मैं देन एंड देयर उसी वक्त जी जी ठीक है ठीक है। चलें वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने देखा कि क्या बेहतरीन सी इन्होंने डिश बनाई, उम्मे अली, सही बोला है ना मैंने, हाँ सही बोला है मैंने, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। हम ले रहे हैं एक ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहे ऑन रमजान।